लगड़बगों की आवाजें अगर आ जाए माइक लगड़बगों की तरफ अबे ये जंगल है पीछे पीछे ये जंगल है भाई पीछे इसके सारा खूबसूरत यकीन करो ये जब पूरे दरख्त बनेंगे ना क्या बता लेकिन बहुत हॉरिबल है इसका बैकग्राउंड पीछे इस टाइम पे अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे फूडी मूडी व्लॉगर हाजिर आपकी खिदमत में थोड़ा गला ख़राब है उसके लिए माजरत जब से ये विंटर स्टार्ट हुआ है तो मुझे थ्रॉट इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है जो कि पूरा विंटर चलता है तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है तो इसके लिए माजरत आज हम आपको लेके आए हैं बहुत ही खूबसूरत जगह पर जो कि आपको वीडियो इंशाल्लाह आप ज़रूर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी बहरिया टाउन कराची में इस वक्त हम घूम रहे हैं इस वक्त और आपको लेके जा रहे हैं बहरिया टाउन का जो सेंट्रल पार्क है पैराडाइज के अंदर वहाँ हम आपको लेके जा रहे हैं उसको दिखाने के लिए एक्चुअली ये वीडियो थोड़ी सी अपलोड लेट हो रही है जिस दिन की वीडियो है उस दिन उसकी ओपनिंग थी जो कि हम थोड़ा लेट हो गए थे वो हम आगे आपको वीडियो में बताएँगे कि हम क्यों लेट हो गए यहाँ पे तो ये इसकी एंट्रेंस है ये इसका मेन गेट है यहाँ पे तो यहाँ पे हम यहाँ देखें इनकी बसेस जो हैं पहले टाउन की ये विज़िटर्स को लेके आए हुए थे यहाँ पे तो अभी उनको लेके जा रहे हैं वापस क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और बताते हैं अंदर क्या क्या हमने देखा है अंदर से कैसा है और इसकी जो टिकट्स हैं वो हैं 200 और बच्चे जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनका फ्री है और बगी यहाँ पर जो चलाएँगे ये उस पर अगर विज़िट करवाएंगे तो उसका 500 टू मच एक्सपेंसिव है भाई ये मैं तो समझ रही थी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वॉकिंग ट्रैक है ये वो लोग वॉक करने के लिए आएंगे लेकिन इस पर भी टिकट है तो चलिए अंदर चलते हैं अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे अभी तो हम यहाँ इसके जो इसका गेट है वहाँ पे अंदर जाएंगे अभी इसकी टाइमिंग क्या थी इसकी टाइमिंग थी 6 बजे तो अभी मुझे लग रहा है हम लोग लेट हो चुके हैं प्रोग्राम वगैरह 6 बजे तो शो स्टार्ट होना था और फिर पता नहीं कब तक चलना था और मुझे ऐसा लग रहा है ख़त्म हो चुका है एंड हो चुका है मुझे लग रहा सब बंद हो गया आपको भगा रहे हैं लोग पूछे किसी से क्या नहीं नहीं खामोशी से चले जाते हैं लेकिन यहाँ पे तो बहुत म्यूजिकल शो थे बहुत चीजें थी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा तो आप आई इतनी देर से है ना तो आप हम असल में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हुई थी कि आज जरा सुपर हाईवे पे थोड़ा स्नैचिंग के चक्कर में किसी का मर्डर हो गया था मर्डर कर दिया था तो वो प्रोटेस्ट में सारा जगह बंद की हुई थी तो हम लोगों को काफी लेट हो गए 3 घंटे हम लोग सुपर हाईवे पे फंसे रहे हम लोग जस्ट वीडियो बनाने के चक्कर में हमने बोला चलो आज इसकी ओपनिंग है तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं बहुत एक अच्छी सी वीडियो लेकिन भाई हम इतना ख्वार हैं आपको क्या बताएं हम 3 घंटे वहाँ पे सफर करके आए हैं हम सुपर हाईवे पे फंसे हैं अब कहीं जाके हम जब पहुंचे हैं तो भैया आप लोग बस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत की अब हमारा कसूर नहीं है कि टाइम ओवर हो चुका है लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार देखो मतलब जो कह रहे थे कि वहाँ आगे चले वहाँ कुछ हो रहा है शायद बस एक नॉर्मल सा पार्क है ना लेकिन काफी बड़ा पार्क है ह्यूज है और बीच में कुछ मेरे ख्याल से वो फाउंटेन वगैरह हैं या कुछ ऐसी चीज है चलो वहीं चले चलते हैं वहीं चलते हैं देखते हैं और ये क्रिसमस की हां उनके साथ प्लाजा लगाया हुआ है तो उनको भी ये लोग ये शायद यहाँ ये पर फूड कोर्ट है और यहाँ से भी वैसे रास्ता है ये जगह पीछे शायद पार्क वगैरह सेटिंग एरिया क्या है यहाँ से वहाँ जाके देखें आए। चलें जी वहाँ चलते हैं वहाँ बड़ा कोई खूबसूरत सा फाउंटेन उन्होंने बनाया हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे फॉग उड़ रही हो ना वो पर पानी है ना कैमरे के अंदर भी ऐसा ये वीडियो आ रही है जैसे धुआं स्टीम पता नहीं क्या जैसे कुछ उबल रहा हो सच्ची में ना कुछ उबल रहा हो वहाँ पे क्या हो
हो सकता है सूप भरा बना रहे हो पब्लिक के लिए। भाई हम लेट हो गए, भाई लेट हो गए। लोग हमें सुना रहे भाई, हम आपको शो नहीं दिखा सके अगर हुआ है तो, अदरवाइज खैर चल खैर हुआ होगा अभी तो वो भी चली गई ना। कहां पे हुआ होगा देखो, अरे ये देखो ये अच्छा जी। इसको तो भाई आप सुबह के वक्त आओ, शाम के वक्त आओ, यहाँ पे वॉक करो, क्या बात है। मतलब ये बहुत ही वॉक करने के लिए बड़ी खूबसूरत जगह है ना। और वो सामने सिटिंग एरिया बनाया है जी, और अच्छा, और ये बहुत बड़ा पार्क है यहाँ पे। अब इतने हम है किस जगह, ये भी थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। तो ये है पैराडाइज से थोड़ा सा आगे जाके, आपको पैराडाइज जो बैरिया करने के बाद जी, बैरिया के अंदर पैराडाइज है, उधर आप आएंगे, उस गेट को आप क्रॉस करोगे उसके, और बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट आएंगे तो फिर ये सेंट्रल पार्क आपको मिलेगा। बस मेरा ख्याल इसके अलावा शायद इस तरह के ट्रैक्स वगैरह ही बने होंगे, और आगे चीजें भी होंगी काफी ज्यादा, लेकिन अब वही रात थोड़ा सा आगे नहीं, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, अब हम बहुत थक चुके हैं, अभी हम खाना खाएंगे। लेकिन पहले थोड़ा इतनी दूर आए हैं तो घूम भी लेते हैं, इसी बहाने थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। चलिए वॉक यहाँ पे करवानी है। जगह हमें बड़ी खूबसूरत सी दिखाई दी है, आइए इसको भी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या सिटिंग एरिया लग रहा है मुझे। आपको क्या लग रहा है? मस्जिद लग रही है, चाहे नमाज लग रही है, देख लेते हैं जाके। काफी बड़ा है ये भी। हाँ बोले, एक बात है कि बहुत अच्छे से पौधों की कटिंग हुई है, मेंटेनेंस तो भाई बैरियर टाउन एंड है, मतलब मैं इतनी मुझे कहीं दिखी नहीं है अपने कंट्री में पाकिस्तान। असल में बैरियर टाउन 2 का होने से पहले इस तरह के वो थोड़े प्रोजेक्ट वाला लॉन्च कर रहे हैं। अच्छा इधर ड्रेनेज का भी बहुत अच्छा निजाम है, जो घास के अंदर मुख्तलिफ जगह पर आपको दिख रहा है। अच्छा क्या बोलते हैं हमारे जो ऑडियंस है उनके लिए, पैराटॉन जो 2 है उसके ऊपर भी एक ब्लॉग होना चाहिए, क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, टाउन 2 के ऊपर हम लोग बहुत सारी इंशाल्लाह इनसे बात इनसे पूछेंगे, ये शो वाला था यहाँ पे क्या एंड हो गया, ये यहाँ पे स्टाफ मेंबर है, पूछ लेते हैं। पूछे नहीं होगी वो तो, कोई फैमिली वाला। ये भी कुछ ऐसे ही पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं लोग, ये भी बड़ा खूबसूरत सा बना। हाँ ये मैंने वीडियो में देखा था, ये भी है एक यार, इसको पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, बस ऐसे ही है ये। आप देखो जैसे ये हाँ कुछ ऐसा है, इसको यार इसका कुछ था मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, इसका कुछ नाम था जगह का। वैसे बहुत मैनेज मतलब मैनेज बहुत अच्छे से किया है इनके, जो मतलब प्लांटेशन की गई है, दरख्त लगाए हुए हैं, घास ग्रास छोटे छोटे पौधे, हर चीज को जो है ना बड़ा क्लीन एंड नीट करके उनको सजाया हुआ है यहाँ पे, कि आने वाले लोग जो है ना महसूस हो सके, एंजॉय कर सकें। लगना चाहिए कि यार आप किसी पार्क में आए हो, घर की फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ छोड़ के आप किसी अच्छी जगह जाते हो, तो इस तरह की जगह हो तो यकीनन जो है आपको अच्छी पसंद आती है। इतना खूबसूरत सी ये कटिंग, बहुत अच्छी कटिंग की हुई है। अच्छा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा दिन के वक्त ना किसी दिन आके और यहाँ की पूरी वीडियो बना। आप अकेले के लिए आएंगे? नहीं नहीं आपके साथ, मेरे साथ आएगा, अकेले आए ना तो अच्छा नहीं होगा। और हट पहना हुआ ये बहुत अच्छा है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत हाइटेड है। और आज एक बच्चे की
सालगिरह भी है, बर्थडे हमारे फैमिली मेंबर है। हाँ। तो फिर ये मैं तो सोच रहा हूँ वहीं पर ना मना लिया। नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये सामने आप देखेंगे ये सारे जो बकायदा दरख्त लगे हुए हैं, छोटे छोटे जैसे पौधे होते हैं वो नहीं है, ये जो होते ना फलदार सायादार दरख्त होते हैं वो लगाए इन्होंने यहाँ पे, ये बहुत अच्छी बात है। और जब ये पूरी तरह से ग्रो करेंगे ना तो आप देखना ये जगह बिल्कुल इनसे कवर हो जाएगी, है ना, ऐसी है ना ये दरख्त है ना, क्योंकि इसको क्योंकि जो सेंट्रल पार्क है ना जिसके नस्बत से ये बनाया है वो ऐसा ही है, बहुत थिक है वो, मतलब उसमें बहुत सारे दरख्त हैं और उसकी वो उसकी यही ब्यूटी है। वहाँ चले लिखा होता है कि क्लीन बैरिया ग्रीन बैरिया लगड़ भगों की आवाज आ रही है भाई इसके बैकग्राउंड में, यहाँ पे आप एक ये लगड़ भगों की आवाजें अगर आ रही है माइक लगड़ भगों की तरफ पीछे। अबे ये जंगल है पीछे पीछे पूरा। ओ वाओ ये है जगह, ये जंगल है भाई पीछे इसके सारा खूबसूरत, यकीन करो ये जब पूरे दरख्त बनेंगे ना क्या बता, लेकिन बहुत हॉरिबल है इसका बैकग्राउंड पीछे इस टाइम पे फुल ब्लैक और उसमें इतनी हॉरर सी वॉइस आ रही है लगड़ भगों की। नहीं नहीं मैं नहीं जा रही। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये, वाह यार बहुत अच्छा बनाया मलिक साहब, जियो अपने खर्चे पे। पर जिन बेचारों के जमीनें आ गई हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड के अंदर उनके साथ इंसाफ करो, पहले टॉर्नमेंट को एक एक टू में एक एक प्लॉट दिया जाए, है ना, होना चाहिए ना, सबसे पहले उन लोगों को बेचारों को तो उनके तो मामला सेट करो ना यार, आप आगे दूसरे हमारों को लेटर भेज रहे हो कि आ जाओ ले लो और फंस जाओ, वो बेचारे रो रहे दुआएं दे रहे हैं यार, जब भी ये अपना लगाते ना उसमें नेगेटिव कमेंट करते हैं फ्रॉड ये वो। आप जो मर्जी कर ले रात का व्यू पे बस लाइटिंग ही दिखेगी और कुछ नहीं, और लगड़ भगे तो उस तरफ इधर से चलते हैं, आ जाओ भाई। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। सेंट्रल पार्क बहुत खूबसूरत पार्क है, काफ़ी बड़ा है, हमने पूरा इसको एक्सप्लोर नहीं किया, इंशाल्लाह कभी डे टाइम में आएंगे और पूरा आपको दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, ओके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।